Hi. so, yes, it's been like more than one and a half months जब लॉकडाउन चल रहा है मैंने कही थी कि मैं इक्कीस दिन लगातार लॉकडाउन पे वीडियो डालूँगा मैंने कोशिश की लगभग दस से पंद्रह दिन बट जब खबर मिली कि और ज़्यादा बढ़ेगा तो एक तो ख़ुद मैं मेंटली इतना फिट नहीं फील कर रहा था कि मैं डेली कुछ एंटरटेनिंग कंटेक्ट आप लोगों को दे सकूँ प्लस ना ही मेरे पैसा कोई सेटअप है जिससे आप लोगों को मतलब अभी आप लोगों ने बैकग्राउंड में हल्ला सुनाई ही दे जाएगा कुछ ना कुछ तो गाड़ी का मेरे को इसलिए हेडफोन पहर के अभी वीडियो बनानी पड़ रही है तो कीपिंग दैट पार्ट असाइड होप सो आप सब भी सही हो गए घर पे मेंटली फिट हो गए अच्छा ही चल रहा होगा मेरे तो भैया मतलब लॉकडाउन में भी पंगे ही हो रहे थे तो मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लिया एक हफ़्ते ट्राई किया काफ़ी अच्छा फील हुआ मैं जब वापस आया तो देख रहा हूँ अभी यूट्यूब पे चल रहा है यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर्स तो मैक्सिमम लोगों को मेरे ख़्याल से यही लग रहा होगा कि अलविश यादव भाई की वीडियोस के बाद ये चालू हुआ है मेरे को लगता है ये उससे बहुत पहले की है मतलब इन जनरल भी यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स को रोस्ट करते आए हैं सो शुड आई स्पीक ऑन दैट मैं फालतू में नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता और दूसरी बात यह है कि ये उससे पहले की है ये अपने यू वाले भैया ने ही मेंशन किया था क्योंकि एक स्पेसिफिक वीडियो में हमारे एक हैं बाइकर भैया आपको पता है कि उनके साथ उनका थोड़ा बहुत इशू है उन्होंने इस्पेशली एक बुरे वीडियो में स्पेशली कह दिया कि ये टिकटॉक जो है वो गलत एरिया में ले जाते मैंने वीडियो डाल रखी है उस पर कि गलत एरिया में प्रवोक कर रही है इट्स नॉट गिविंग अ गुड कंटेंट और क्रिंज है ये है वो है स्पेशली अपने वीडियो में जबकि वो खुद टिकट पर है तो इधर से उधर से बोला जाए तो बेसिकली भैया आप भी वैसे कंटेंट दे रहे हो और आप देखना वो बाइकर भैया के भी गुरु जो हैं जिनका नाम मेरे नाम से ही है उन, उनने तो हर दूसरे वीडियो पर यही बोला हुआ है कि पर्सनली मैं आई डोंट प्रेफर टिकटॉक आई डोंट लाइक टिकटॉक एंड स्टफ़ तो ये जो हेट है ना टुवर्ड्स टिकटॉक ऐप ये तो बहुत पहले से ही इन लोगों ने फैला रखी है फिर टिकटॉक रोस्ट म्यूजिकली रोस्ट बहुत पहले से चलता आ रहा है तो किसी को ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि क्रिंच कंटेंट का बेसिकली रोस्ट किया जा रहा था तो लोग एंटरटेनिंग वे में लेते भी थे अभी ज़बरदस्ती में कोई बंदा किसी एक चीज़ के लिए पॉपुलर है टिकटॉक कम्युनिटी में तो पॉपुलर है किसी एक चीज़ के लिए हुआ है तो उसके बेसिक से कोई वीडियो उठा के तुम बस उसको ये कह देना कि क्या ये टैलेंट है वो सब है और, और तुम बेसिकली फैट सेमी कर रहे हो जो मेरे को कहीं से वैलिड नहीं लगा उसके रिप्लाई में जो हमारे टिकटॉकर भैया का रिप्लाई है काफ़ी हद तक सही भी था बैलेंस्ड लगा मेरे को बट बाकियों ने बाकी जितने भी यूट्यूबर्स थे उनकी जल्दी तो उन लोगों ने बस यही पॉइंट उठाया कि भाई तेरे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉनर डी पता टिकटॉक में यूट्यूब में क्या है ये होता है कि मतलब प्रैंक वीडियोज़ का अलग होता है रोस्टिंग का अलग होता है और स्के, स्केच का अलग होता है ये सब बोल रहे थे तो मैंने कहा यार टिकटॉक में भी अलग तरह के होते हैं लोग कुछ प्योरली प्रैंक्स को ही अपलोड करते हैं कुछ कॉमेडी को ही अपलोड करते हैं कुछ बेसिकली इमोशनल ही वीडियो बनाते हैं तो सबका अपना अपना जॉनर है तो तुम खुद स्टडी नहीं करोगे फिर दूसरे वाले को उसके ऊपर बकवास छोड़ोगे तो वो कोई सेंस ही नहीं बैठता मतलब अगर वो कहते हैं ना कि अपना होमवर्क करके आओ तो दोनों अपनी तरफ होमवर्क करके आओ हो। अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा मतलब ठीक है लोगों को ड्रामा चाहिए एम ई रफ्तार हुआ था कृष्णा डिवाइन जो भी हुआ था आपस में हुआ था अभी फिर से ये एम ई वे डिवाइन हुआ था लोगों को वही चाहिए अभी आजकल तो मैंने देखा लोगों को ड्रामा चाहिए लोग एंटरटेन होते रहते हैं ये न्यूज़ चैनल वालों का अपना धंधा चलता रहता है और भैया ये जो रोस्टर्स कम्युनिटी है बेसिकली उनको कुछ ना कुछ पॉइंट चाहिए तो वो कुछ भी रोस्ट करने के लिए उनको चाहिए होता है टाइम टू टाइम तो ये कंटेंट फ़िलहाल मिला हुआ है मेरा वर्ड क्या है मेरा वर्डिक यही रहेगा कि भाई नेगेटिविटी से दूर रहो क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे मैंने मतलब देखो मैं दो हफ़्ते से या डेढ़ हफ्ते से फॉलो कर रहा था ये न्यूज़ और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ठीक है तुम टिक यूज़र हो इन जनरल तुम प्रो लेवल के टिकटर नहीं हो कि तुम अपने आप को टिकट बोलो या यूट्यूबर बोलो मैं यूट्यूब में भी उस लेवल का नहीं हो बट मैं इन जनरल अगर तुम टिकट यूज़ करते हो और फिर कोई टिकट के नाम पे टिकटर को डायरेक्ट ट्रांसजेंडर और ये सब वाली गालियाँ देता है तो मैं पहले बात तो यार ट्रांसफॉर्मिक होना बंद करो ठीक है तुम लोग ट्रांसफॉर्बिक होने का नेचर पूरा दिखा रहे हो उसमें जो हमारे एलसी भैया हैं वो तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं तो उनसे तो दूर रहो ठीक है स्पोर्टिंगली लोगे सबका भला होगा और बुरा लगा यार कुछ यूट्यूबर्स थे जिससे जिनका मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनका इस तरह का रोस्ट आना आ, तो ठीक है कोई तो मतलब टिकटॉक की तरफ से कोई तो बोल ही रहा है और बोल रहा सही बात है नहीं बोलता तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था मैं तो ये कहूँगा ये नेगेटिविटी से दूर रहो ठीक है दो वीडियोज़ हैं ये जो बेसिकली अभी हैं हमारे भैया जिनने रोस्ट किया था उनका तो प्रॉपर एक अच्छा खासा का कांड उन्होंने किया था हाफ इंजिन और इन सब के साथ तो ठोक के भाग गए थे उनकी वीडियो की लिंक मैं नीचे दे, दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कैप्टन एम की वीडियो प्रॉपर उसके ऊपर तो बाैती जो पेलते रहते हैं ना हम बहुत अच्छे इंसान हैं यूट्यूबर बहुत अच्छा कंटेंट करते हैं हम ये भी अच्छे होते हैं ये नहीं कि मुस्कान करके अपना काम दे दिया और कुछ करते हैं तो उनकी वीडियो की लिंक मैं डाल दूँगा देखना आराम से और नेगेटिविटी तो नहीं फैलानी मगर तो देख ही लो मैंने जो प्रॉमिस रखा था भाई पाल नहीं काटने दालें नहीं, नहीं काटनी डेढ़ महीने से बढ़ा रखी है और ब्लेड लेने के लिए कौन जाएगा पार भाई ब्लेड ब्लेड लेने नहीं जाएंगे हम जब तक है लॉकडाउन तब तक फॉलो करेंगे जब लॉकडाउन हटेगा तो ये सब कुछ सही हो जाएगा और प्लस मैं कंटेंट इसलिए भी नहीं डाल रहा था भाई देख ही लो दो टी शर्ट है मुश्किल से एक शर्ट है लगातार वो शर्ट कपड़ा देख के ना कमेंट में भी आ गया था एक बार तो भाई कपड़े की कमी है क्या मैंने कहा भैया ये तो मैंने पहली वीडियो मैंशन में कर दिया था मेरे पे कपड़े ही नहीं है मैं तो फंस गया हूँ एक जगह पे सो so, पॉजिटिव रहो फालतू के ऐसे सारे नेगेटिव जहाँ पर भी ड्रामा आता है ना तो वैसे ही वीडियोस को वॉच करना बंद करो तभी लोग ड्रामा कवर करना बंद करेंगे मगर ये हमारा ह्यूमन नेचर है हमें ड्रामा बिग बॉस और जहाँ पे भी ऐसे कॉन्ट्रोकर्सी चीज़ देखना ना नेहादिया ने भी जब कांट किया तो रोडीसी टी आर पी कितनी हाई चली गई थी अपना बिग बॉस में भी जब लड़ाई होती है तो कितनी हाई चली जाती है टी आर पी यूट्यूबर्स को भी पता है कि ये अभी क्लिक बेट है तो अभी तो मैं ये इस पर कुछ भी टिकटॉकर से अगेंस सब ताले हो जाएंगे तो मैं ये कहूँगा ये नेगेटिविटी है बेसिकली मैं भी इस पर वीडियो ऐसे बनाया तो मैंने प्रॉपर नहीं है प्रॉपर बनाओ तो मैं दोनों कम्युनिटी को अच्छे से रोस्ट करूँगा क्योंकि मेरे को नहीं करना है भाई ना हेड लेनी है ना हेड देनी है किसी के खिलाफ ठीक है अपना चिल करो ना मैं दो, दोनों में से कोई मेरे को पैसा नहीं दे रहा है जो बात है हम पैसे की तरफ से है ना यूट्यूब मेरे को पैसा दिए कभी ना टिकट मेरे को टिकट चलो पैसा दी है वैसे मेरे को वहाँ पर कॉम्पटिशन जीत के एटलीस्ट पैसे कमाए तो हैं यूट्यूब में तो कभी रेवेन्यू आया ही नहीं मेरे को बट स्टिल मैं ऐसे कभी प्रमोट नहीं करता मैं ऐसे तो लाइक ऐप पे भी अपना अकाउंट खोल के मैं वहाँ पे पॉपुलर हो जाऊँ हाँ गाली दे दो तो टिकट ऐप पे मेरे को क्या जा रहा है तो मेरा तो यही है कि अपना आराम से करो ज़्यादा ज़िंदगी जिन्दि वैसे भी अभी भगवान जाने यार लगातार दो दिन से तो बहुत बुरी खबर सुनी है और बुरा लगता है यार काफ़ी अच्छे लेवल के जो स्टार्स थे जिसको अप्रिशिएट किया जाता है इन जनरल भी वो स्टार्स होते भी नहीं तो भी एक इंसान जो एक इज्जत कमा चुका है और रिस्पेक्टेबल वर्क किया भी है उसने ये नहीं कि मतलब इज्जत कमा चुका है ये मतलब वो अलग चीज़ होती है बट रिस्पेक्टेबल वर्क किया है उसने इंडस्ट्री में जिससे उसका है ना और हम सडनली आउट ऑफ नोवेयर ड्यूरिंग दिस सिचुएशन ये पाते हैं कि ही इज़ नो मोर बुरा लगता है और मैं ये कहूँगा चलो पॉजिटिविटी में बरकरार रखो परिवार के साथ नहीं हो तो परिवार को कॉल करके कॉन्टैक्ट में रहो जितने दिन लॉकडाउन है परिवार के साथ हो तो हर एक पल इन्जॉय करो यार यू नेवर नो सीरियसली यू नेवर नो एंटिल देन साइन चिल करो यार हैप्पी रहने का ठीक है